20,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक के अंदर था, आज 80,000 करोड़ रुपया है। ये तो पैसे लाकर 15-15 लाख भागना चाह रहे थे, जब उल्टा लूट के चले गए। राहुल अगर चाहता तो पहले ही प्रधानमंत्री बन जाता, सोनिया जी से कहा था उन्होंने, बना दिया था मोदी को। ये देश जो है प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र का मतलब सुनकर राजा शाही भैया, सबसे बड़े गुंडा जो इसमें आ जाता है वो तो बिल्कुल गंगा का धुला हुआ हो जाता है भाई। पब्लिक को भिखारी बना दिया उस देश के अंदर, जाके पूछो। जब हिंदू लोग जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको पीला का एहसास होता है। सारे लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी है और हिंदू की तरफ पछ रहा है। अमेरिका के लोगों में उत्पीड़न चालू हो गया उन लोगों का। भाई साहब, ये संसद से क्या खाना पीना मिलेगा? बेरोजगारी घट जाएगी, गरीबी घट जाएगी, क्या लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी? काम में सबसे बड़ा काम जो है नोटबंदी का किया है, भ्रष्टाचार पे जो है आतंकवाद रोक लगाई है, रोक लगाई है। फिर जो 2000 का नोट चलाया, आज 2000 का नोट भी बंद कर दिया। और जब हमारे और आपके पास नोटबंदी करी तो हमें 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। और जब मालदारों के 2000 के नोट एक्सचेंज करने की बात आई है तो उनको 4-5 महीने का टाइम, यानी आप आराम से करो, गवर्नमेंट आपके साथ। बच्चा कुछ भ्रष्टाचार को खत्म करना है ना 2000 के नोट के जरिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़े भ्रष्ट तो यही। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे ये है नितिन गडकरी, जो आपके जो इसके सड़क परिवहन मंत्री है, मेरे पास स्पीच है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में मतलब पैसे उसकी, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई एक ठेकेदार, कोई एक आदमी ये कह दे कि मैं 1,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ मतलब 50,000 करोड़ का काम लेता हूँ, मैं 1,00,000 करोड़ के काम लेता हूँ और ऐसे 32 एक्सप्रेसवे बना रहा हूँ, 32 एक्सप्रेसवे 1,00,000 करोड़ का। सुनो एक मिनट, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो दोस्त। उसने ये कहा है, अभी मेरे पास है, अभी दिखा दूंगा। तो उसने ये कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर यहाँ कमी है तो हिंदुस्तान में काम करने वाले ईमानदारी से नेताओं की कमी है। यहाँ पर जो मेरे पास मेरा, मैंने ठेकेदार से कह दिया क्वालिटी बढ़िया चाहिए, सारी चीजें जो भी है मानक के हिसाब से चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी बुलडोजर के नीचे डलवा दूंगा, समझे ना समझे। ये वो इनका मंत्री कह रहा है जो साड़ी, तो उनका निशाना होगा जो भ्रष्टाचारी नेता है दूसरी पार्टी होगी। नहीं, उन्हें पता है कि कोई एक ठेकेदार है, कोई ऐसा नहीं, ठेकेदार ऐसा नहीं है जिसको पहले ठेका लेने से पहले मंत्री के घर नहीं जाना पड़ता हो। इसका मतलब क्या है उनका कहने का, आप मुझे बताइए। मोदी जी, योगी जी तो संत है। अरे भाई साहब, संत नहीं है यही बाबा जो ना सबसे पहले जो सलवार कमीज पहन के भागा था रामलीला ग्राउंड से। योगी जी की बात कर रहा हूँ, रामदेव जी, योगी जी की। योगी जी तो संत आदमी है, संत आदमी को मंदिर में या मठ में होना चाहिए। मोदी जी आपने उसका क्या काम, उसका क्या काम, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। ब्रेन चाहिए और संतों के पास तो मंदिर के लिए है, वहाँ अपना चलाएंगे, मठ को चलाएं अपने, वहाँ जाके गोरखपुर में जहाँ के पीठाधीश्वर बने हुए थे। फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी को घर बैठा देंगे आपके, बिल्कुल। गुजरात पैक्ड कर लिया हमने, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं मार्च अप्रैल में इलेक्शन का। अच्छा, पैकिंग तो कर दी इनकी हमने मशीन में, तो फिर कौन? कांग्रेस का पूरे भर चुके हैं बैलेट। फिर कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे माने राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी भाषा वाले कहते हैं राष्ट्र इन इंडिया। राहुल गांधी, आप राहुल गांधी कह रहे हैं लेकिन कहते हैं भाषा वाले, वो तो ना समझ है, ना समझदारी नहीं। उन्होंने कोरोना काल का पहले बता दिया था कि अगर एयरपोर्ट पे इसको नहीं रोका गया और जो बाहर से आने वालों की जांच नहीं हुई तो ये भीषण रूप ले लेगा। वो युवा आलोचना करते हैं विदेशों में, देश की क्या कौन सी आलोचना, अपमान कर रहे हैं, यानी सच को सच ना कहें, यहाँ का सच को सच ना कहें, मतलब ये बताइए जो यहाँ हो रहा है उसको गलत बाहर जाके कहने की क्या जरूरत है? सवाल ये आपको, मतलब मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, अगर आप इनसे मेरी शिकायत कर रहे हैं कि गाली दी है उन्होंने जो सामने वाले खड़े हुए कुर्ता पजामे में, तो आप गलत हो गए भाई। आप, मैंने गाली दी, आप गलत नहीं कहेंगे। राहुल गांधी अगर जो भारत में देख रहे हैं, वो भी उसके घर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसका बाप राजीव गांधी, मतलब दो दो लोग जो मतलब यहाँ पर जो एक तरह से शहीद हो चुके हैं गोलियों का सवाल है, विदेशों में जाकर सवाल है। और जब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, एक आदमी इसकी डिग्री नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं यार उसकी 12वीं की भी डिग्री नहीं है, चैलेंज कर दिया हमारे जो अरविंद केजरीवाल ने जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, जुर्माना दे दिया 25,000 रुपए यार, वो आदमी ऑक्सफोर्ड के पढ़े वाले यूनिवर्सिटी से मतलब तुलना कर रहे हो आप, तो इसमें दिमाग होगा उसमें दिमाग होगा। लेकिन ये सवाल ये है ना कि आप यहाँ तो कह रहे हैं बाहर मीडिया में जाकर विदेशों में जाकर, नहीं विदेशों में कहेंगे यार, विदेशों में कहेंगे जो हमारी बर्बादी हो रही है भारत की, मीडिया है गलत बात नहीं करते, वो बात सही करते हैं। ये उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है हर जगह, वो इसलिए सम्मानित करा जा रहा है कि राहुल जी एक मझे हुए नेता है यार, 5 आदमी 4,000 किलोमीटर पैदल चल गया, पूरी दुनिया ने लोहा माना है, और सिर्फ एक टी शर्ट में, ये तो ये भी कहते थे उस टी शर्ट में कहीं ना कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट लगा हुआ है, नहीं लगती। ये तो राहुल गांधी पे क्रिटिसाइज कितने कर लें, जितना ये राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतना ही हमारे राहुल गांधी जी मतलब जो और मजबूत होकर चट्टान की तरह, उन्होंने कहा ऐसे ही उनके सिपाही हम खड़े हुए हैं आपके सामने, चट्टान की तरह बिल्कुल।
2024 में जब तक खदेड़ नहीं लेंगे, जब तक नहीं बैठेंगे ना सोंगे ना सोने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। किसको खदेड़ोगे? भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल तय है ये। मोदी जी का नारा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो वो तो सबसे ज्यादा खा रहे अडानी के थ्रू, अरे अडानी के पहले गोदाम बन गए, किसानों ने किस बात पर वो करा था? ये जो जमीन को एक्वायर कर रहे थे, अधिग्रहण जो जमीन का कर रहे थे, किस बात का विरोध था किसानों का? इसी बात का तो था कि अडानी ने पहले से ही वहाँ इतने बड़बड़े वो लगा दिए जो दिखा रहे थे कपूरथला में और इसमें और उसमें, तो सिर्फ यही तो था कि किसान आंदोलन पे कि ये जो है भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा किसानों को। आप देखिए जो जो इन वैसे वो हैं, तो यही तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास, सबका नाश और अडानी अंबानी का विकास। इस नारे को बदलो, अच्छा इस नारे को चेंज करिए, जनता का नाश और अडानी अंबानी का विकास। वो भी तो भारतीय हैं, कोई बाहर के थोड़ी विदेशी थोड़ी है। तो यार दो आदमी हमारा, आप भी तो, आप भी मेहनत कर रहे हो, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, पेट की रोटी के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने माँ बाप को पालने के लिए ये काम। यार ये जो उसको देने अरबों खरबों रुपया, हमारा आपको ही देने, एक एक दो दो चार चार लाख रुपए बिजनेस के लिए बताओ, लोन हम इनका चुका देंगे। सारे लोग काम करते हैं उनकी फैक्ट्रियों में, कंपनी में। फैक्ट्री में कौन सी काम करते हैं? कौन सी में रोजगार देते हैं अडानी अंबानी? कितनी फैक्ट्री होंगी उनकी? हिंदुस्तान की 150 करोड़ आबादी होगी, अब चीन को पार कर चुकी है। उनकी फैक्ट्रियों में कितने लोग काम कर रहे होंगे? बहुत सारे। कितने? 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000, इससे ज्यादा? 150 करोड़ में बताइए मुझे आप। चलो एक सवाल है, आप यूपी से है, यूपी में बस्ती जिले में एक नाबालिग लड़की को 3 विधायक नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने बलात्कार किया और रोड पर फेंक दिया, कैसे देखते हो इसे? देखिए बलात्कार की घटनाएं तो आए दिन हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है, और ना कोई सामने देखे। इनके लिए तो ये एक आम सी बात हो गई है। सामने जो आपका बलात्कार का जो मामला है, आप चाहे कठुआ कांड वहाँ देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का, चाहे आपका दिल्ली का देख लीजिए, ये जो जिसकी उसमें फांसी हुई है उनको अभी देख लीजिए, आतरस का देख लीजिए और दूसरे देख लीजिए, इनके यहाँ तो रेप को रेप मतलब बुरा नहीं मानते, इसको तो ये एक तरह से ऐसे लेते हैं कि अरे चलो ये तो हो जाता है, कोई बात। क्या लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल, जैसी डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में। अगर देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो भाई साहब भाजपा को हटाना होगा, कांग्रेस को लाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना देश तो पूरी तरीके से धरातल में जा चुका है। तो क्या कहेंगे 2024 के लिए आखिरी में? 2024 के लिए ही कहेंगे हम, तो आपको भी यही सलाह देंगे कि आप भी पंजे का बटन दबाइए और राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अपना भी योगदान दीजिए।